हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलायंस ब्लू डीमैट अकाउंट के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने टॉप 8 कंपनियों के बारे में आपको बताया था, तो उसमें मैंने अलायंस ब्लू को ऐड नहीं किया था, क्योंकि अलायंस ब्लू एक पॉपुलर कंपनी नहीं है। वैसे कंपनी अच्छी है, लेकिन इसको कम लोग यूज करते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको हटाया। मैंने कहा कि इसी की जगह पर और भी कंपनियां हैं, मैं उनको ले लेता हूं। लेकिन लोगों ने कमेंट किया कि सर, आप अलायंस ब्लू के बारे में भी बताइए, अलायंस ब्लू भी एक अच्छी कंपनी है। तो इस वीडियो में आपको अलग से अलायंस ब्लू कंपनी के बारे में बता रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप और भी किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ अकाउंट ओपन करने के लिए, आप इसका रिव्यू कर दीजिए, ठीक है। तो मैं उस कंपनी का भी रिव्यू कर दूंगा आपकी डिमांड पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अलायंस ब्लू के बारे में कंप्लीट जानेंगे। आपका कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा, ऐसी मेरी कोशिश है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अलायंस ब्लू कंपनी स्टार्ट कब हुई थी। तो अलायंस ब्लू कंपनी की अगर हमें स्टार्टिंग डेट पता चल जाए, तो हमको पता लगता है कि ये कंपनी इतने साल से चल रही है, तो मतलब कि कंपनी पर हमें ट्रस्ट होता है। तो देखो, जो अलायंस ब्लू कंपनी है, तो इसकी स्थापना दिसंबर 2006 में हुई थी, तमिलनाडु में एरोड एक जगह है वहाँ पर। लेकिन शुरुआत में यह MCX मेंबरशिप के साथ काम करती थी, लेकिन फिर इसके बाद यह डिस्काउंट ब्रोकर बन गई 2007 में। फिर इसके बाद दोस्तों, इसका जो 2007 में हेड ऑफिस है, तो वो एरोड से चेन्नई में पहुंच गया। फिर चेन्नई से इसका हेड ऑफिस 2017 में ट्रांसफ़र कर दिया, और प्रेजेंट टाइम में इसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि इसके अंदर अगर अकाउंट ओपन करने जाएं, तो अकाउंट ओपनिंग का चार्ज कितना है। तो देखो, अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं है अलायंस ब्लू के अंदर। आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको यूज करके। अब दोस्तों, इसके बाद बात आती है AMC चार्ज की। तो AMC चार्ज अलायंस ब्लू के अंदर 400 रुपये पर ईयर प्लस GST। अगर हम इसको मंथली कैलकुलेट करें, तो 33 रुपये 30 पैसे पर मंथ होता है प्लस GST। अब बात आती है कि अगर हम इसके अंदर कोई भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाएं, तो हमको कितना किस सेगमेंट के अंदर चार्ज देना होगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं, चाहे आप इक्विटी में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, या फिर SIP में करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए लाइफ टाइम आपसे ये कंपनी कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेने वाली है। वहीं पर अगर आप इंट्राडे के अंदर कोई भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाते हैं, तो आपको 15 रुपये फ्लैट देना होगा, या फिर 0.05%, जो भी कम होगा वो आपसे लिया जाएगा। मतलब कि अगर परसेंटेज से कैलकुलेट किया जाता है, और आपका 22 रुपये होता है, 50 रुपये होता है, 75 रुपये होता है, तो फिर आपसे इतना नहीं लिया जाएगा, सिर्फ कितना लिया जाएगा, 15 रुपये। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाता है, आपने कोई छोटा सा ऑर्डर प्लेस किया है, और उसका ब्रोकरेज चार्ज परसेंटेज के अकॉर्डिंग मात्र यही 7-8 रुपये हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपसे वो चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, बात आती है फ्यूचर के अंदर। तो सेम फ्यूचर के अंदर भी या तो आपसे 15 रुपये चार्ज किया जाएगा, या फिर 0.05%। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको चार्ज इसमें फ्लैट देना होगा 15 रुपये। फिर इसमें परसेंटेज वगैरह वाला रूल कोई भी नहीं लगेगा, आप इसमें 15 रुपये देंगे। और अगर आप कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी का यूज करते हैं, मतलब कि आप एक न्यू ट्रेडर हैं, आप कंपनी से सपोर्ट चाहते हैं कि मैं कौन सा स्टॉक खरीदूं, कब खरीदूं, तो ये आपको कंपनी सपोर्ट करती है। तो कंपनी की कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी है, तो एक ट्रेड का यह आपसे 50 रुपये चार्ज करते हैं। और आप कोई भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आपके पास फंड की कमी है, तो आप इनकी मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं, और इसका इंटरेस्ट रहता है 0.49% पर डे। तो अलायंस ब्लू के अंदर जो आपसे ब्रोकरेज चार्ज लिए जा रहे हैं, वो बाकी की ब्रोकर की तुलना में कुछ कम है। जैसे कि अगर आप किसी भी ब्रोकर के अंदर ट्रेड करने के लिए जाते हैं ऑप्शन के अंदर, तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना होता है, लेकिन इसके अंदर आपको सिर्फ 15 रुपये पर ऑर्डर ही देना है। और अगर आप एक दिन में 5 ऑर्डर प्लेस करते हैं, मतलब कि आप 10 ऑर्डर करते हैं, मतलब कि 5 ट्रेड लेते हैं, तो टोटल आपके ऑर्डर हुए 10, एक बार बाई किए, एक बार सेल किया, ऐसे अगर आप एक दिन में 5 करते हैं तो 10, तो इस हिसाब से एक साल में जो ट्रेडिंग डे होते हैं, तो लगभग 264 होते हैं। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए ना, तो बाकी की ब्रोकर की तुलना में आप यहाँ पर 13,200 रुपये
बचा लेंगे, मतलब कि इतनी आप यहाँ पे सेविंग कर सकती हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि यह एप्लीकेशन ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसके पास क्लाइंट बेस अभी कम है बाकी की ब्रोकर की तुलना में। हाँ, इससे भी छोटे छोटे कुछ हैं, लेकिन कुछ एंजल वन, जीरोधा, ठीक है, अपस्टॉक और ग्रो एप्लीकेशन है, ठीक है, धन है, तो ये कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन है। लेकिन दोस्तों अगर आप मुझसे पूछो कि मैं कौन सा ब्रोकर या फिर मैं कौन सा ऐप यूज करता हूँ, तो मैं धन को यूज करता हूँ ट्रेडिंग व्यू, मतलब कि चार्ट देखने के लिए। धन के अंदर ही हमें ये सबसे अच्छी फैसिलिटी और फ्री में मिलती है। वहीं पर ऑर्डर प्लेस करने के लिए मैं धन का भी यूज करता हूँ और एक एंजल वन एप्लीकेशन है, मैं उसका भी यूज करता हूँ। तो एंजल वन और धन, इन दो को मैं यूज करता हूँ। अगर आप भी इनमें से किसी कंपनी के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, चाहे वो अलायंस वैल्यू हो या फिर और भी कोई कंपनी, तो कुछ पॉपुलर कंपनियों के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा के दे रहा हूँ, तो आप उस लिंक का यूज करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा को छोड़कर सभी कंपनियों में आपके डीमैट अकाउंट लगभग फ्री में ओपन हो रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।